गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर नेक्स्ट एप्लीकेशन रिलेटेड टू स्कूल यूनिफॉर्म्स एंड फ्री टेक्स्ट बुक्स। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम जो हैं 7 एप्लीकेशंस अपनी हो चुकी हैं, तो आज ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है। इसको करवाने से पहले जो बच्चे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करना क्या फ़ायदा बच्चों, कि जितनी भी वीडियोस आज तक मैंने अपलोड की हैं वे सारी की सारी इस चैनल पर उपलब्ध हैं। तो उन वीडियोस को आप देख करके अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हो। और इस सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसे नहीं कटते, ना कोई मंथली कटते हैं, ना कोई ईयरली कटते, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सब्सक्राइब के नीचे भी लाइक और डिसलाइक का बटन दिया हुआ है, तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना, अच्छी नहीं लगे डिसलाइक भी कर सकते हो। भाई अगर आपको कोई इसमें भाई ऐसी बातें हैं जो आप चाहते भी इसमें सुधार होना चाहिए या इसमें और अच्छा हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। राइट हैंड की तरफ एक बेल का आइकन बना हुआ है, उस बेल के आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा। उस ऑल के ऑप्शन पे आपको प्रेस करना है, उसको दबाना है, ताकि जितने भी वीडियोस जब अपलोड किए जाएं तो उनका नोटिफिकेशन जो है, उनकी सूचना आपके पास आती रहे। तो ये इससे फ़ायदा होगा। तो सारे बच्चों इस चैनल पे विजिट करो और बताओ ये चैनल आपको कैसा लगा। आइए अब इस एप्लीकेशन को शुरू करते हैं। एप्लीकेशन फॉर स्कूल यूनिफॉर्म एंड फ्री टेक्स्ट बुक। ये एप्लीकेशन किस बारे में है? एप्लीकेशन होता भी प्रार्थना पत्र। ये स्कूल की यूनिफॉर्म्स लेना चाहते हैं आप और फ्री टेक्स्ट बुक लेना चाहते हैं उसके लिए। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखनी है। किसको लिखनी है? टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिखनी है ऑफ योर स्कूल, यानी आपके स्कूल के प्रिंसिपल को लिखनी है। रिक्वेस्टिंग हिम, और उसे प्रार्थना करनी है टू गिव यू, कि वो आपको दे द स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म दे, स्कूल की ड्रेस दे, एंड टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक भी दे, पढ़ाई के लिए जो किताबें हैं वो भी दे आपको फ्री, यानी फ्री में देनी है, यानी स्कूल का प्रिंसिपल आपको फ्री में ड्रेस और किताबें मुहैया करवाए। गिव रीजंस, आपने कारण भी देना, भी वो आपको फ्री में ही क्यों उपलब्ध करवाए, इसका कारण देना है। सबसे पहले टू, भाई पहले जो है ये इनसाइड एड्रेस से पहले टू लिखा हुआ है, इनसाइड एड्रेस से पहले क्या लिखा हुआ है? टू लिखा हुआ है। ये जो दा से लेकर के ये आपको जो दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पर दा, दा से लेकर के और ये जो कैथल है यहाँ तक, ये सारा इनसाइड एड्रेस है। इससे पहले जो टू लगा रखा है तो पहले टू लगाया करते, लेकिन आजकल के समय पर टू नहीं लगाते हैं। इसके बाद है द प्रिंसिपल, क्योंकि ये लेटर किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है। उसके बाद आपने स्कूल का नाम लिखेंगे जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। मान लो कोई बच्चा आरईएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की जगह क्या लिख देगा? आरईएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आरईए का ए बड़ा, बाकी अक्षर जो है स्मॉल रहेंगे, और सीनियर का, सीनियर का एस कैपिटल करेंगे, बाकी स्मॉल लेटर रखेंगे। सेकेंडरी का भी एस कैपिटल बाकी स्मॉल, और स्कूल का भी एस कैपिटल बाकी स्मॉल, जैसे कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पर। इसके बाद कैथल, यानी ये जो स्कूल है आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जैसे ये कैथल की जगह है पानीपत में पड़ता है। तो जो भी बच्चा जिसका स्कूल, एक तो वैसे भी बच्चे अपने स्कूल का नाम चेंज कर लेंगे, जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है तो उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद कैथल की जगह, जो बच्चा जिस जिले में पढ़ता है, कैथल की जगह हो सकता है कोई बच्चा रोहतक में पढ़ता हो, कोई पानीपत में पढ़ता है, कोई सोनीपत में, कोई जींद में, कोई झज्जर में, यानी कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपका हो सकता है, तो उसका नाम आप कैथल की जगह चेंज कर लेंगे। इसके बाद कैथल के बाद क्या करना है आपने? कैथल के बाद आपने डेट लिखनी है। आज डेट कितनी है? आज है भाई 20th, ठीक है, 20th जुलाई। आज कौन सी डेट है? 20th जुलाई, 2020। तो ये डेट आपने कहाँ लिखनी है? ये डेट आपने कैथल के बाद लिखनी है, यानी जो आप डिस्ट्रिक्ट लिखोगे उस डिस्ट्रिक्ट के बाद लिखनी है। इसके बाद इसको क्या कहते हैं, ये जो मैंने अभी बताया है द प्रिंसिपल से लेकर के और डेट तक जो ये मैटर है, इसको कहते हैं द इनसाइड एड्रेस। इसके बाद है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी किस बारे में ये एप्लीकेशन जो है
स्कूल यूनिफॉर्म एंड फ्री टेक्स्ट बुक। आप क्या चाहते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म लेना चाहते हैं और फ्री टेक्स्ट बुक लेना चाहते हैं, यानी जो पढ़ाई की किताबें हैं वे भी आप फ्री में लेना चाहते हैं और जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको भी आप फ्री में लेना चाहते हैं। सर ये है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कहते हैं संबोधन को। संबोधन में आप रिस्पेक्टेड सर भी बोल सकते हैं, या सर एक आदमी को लिख रहे हो तो सर बोलेंगे, एक से ज़्यादा को लिख रहे हो तो सर्स बोलेंगे, अगर मैडम को लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड मैम लिखेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े ही सम्मान के साथ। आई विश टू स्टेट डैट, मैं ये कहना चाहता हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ ए नाइन्थ क्लास। भी मैं कौन सी क्लास का छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ ए नाइन्थ क्लास। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े ही सम्मान के साथ, आई विश टू स्टेट डैट, मैं ये कहना चाहता हूँ, आई विश टू स्टेट डैट आई एम ए स्टूडेंट। भाई मैं एक विद्यार्थी हूँ, कौन सी क्लास का विद्यार्थी है, यहाँ पर नाइन्थ क्लास का, कौन सी क्लास का, नाइन्थ क्लास का। तो नाइन्थ क्लास के जी आप क्लास को चेंज कर सकते हैं, टेंथ एट्थ सेवन्थ सिक्स्थ फिफ्थ जो भी आपकी क्लास है, टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ, तो वो आप क्लास की जगह चेंज कर देंगे। भाई मैं आपके स्कूल की नौवीं कक्षा छात्र हूँ, ऑफ योर स्कूल। आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, मेरा जो संबंध है वो एक गरीब परिवार से है। आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, माई फादर इज ए पी एन, मेरे पापा क्या है, मेरे पापा एक पी एन है। इन एन ऑफिस, भाई ऑफिस में पी एन है। हिज सैलरी जो मेरे पापा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी सम्मान के साथ, आई विश टू स्टेट डेट, मैं ये कहना चाहता हूँ, डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल की कौन सी क्लास का छात्र हूँ, नौवीं क्लास का। आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, मैं गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। माई फादर इज ए पी एन, मेरे पापा क्या है, पी एन है। इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में। हिज सैलरी इज ओनली 5,000 rupees पर मंथ, उसकी सैलरी कितनी है, 5,000 rupees पर मंथ है। माई फादर कैन नॉट अफोर्ड टू बाई स्कूल यूनिफॉर्म, मेरे पापा जो हैं, माई फादर कैन नॉट अफोर्ड टू बाई स्कूल यूनिफॉर्म, मेरे पापा स्कूल की यूनिफॉर्म करने का जो खर्च है वो नहीं उठा सकते। एंड टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक हैं तो वे नहीं ले सकते मेरे लिए, क्योंकि मेरे पापा क्या हैं, बहुत ही गरीब हैं, क्योंकि उनकी सैलरी कितनी है, 5,000 rupees पर मंथ है। आई एम ए गुड स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, मैं स्कूल का एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आता हूँ। आई एम इन द गुड बुक्स ऑफ द टीचर से, यानी टीचरों का भी मेरे प्रति ओपिनियन जो है, जो विचार है वो काफ़ी अच्छा है। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना है टू बाई यूनिफॉर्म्स, भाई आप किताबें खरीद, ड्रेस खरीद दें एंड बुक्स की किताबें भी खरीद दें फॉर मी, मेरे लिए, फ्रॉम द स्कूल फंड, भाई स्कूल के कोर्स में से, स्कूल के फंड में से, और फ्रॉम द रेड क्रॉस फंड, और जो रेड क्रॉस का फंड है उसमें से। आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी होऊंगा, टू यू फॉर दिस, भाई इस काम के लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होऊंगा, बहुत ज़्यादा आभारी होऊंगा। इसके बाद भाई लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड की तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये द सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसको आजकल भाई राइट हैंड की तरफ नहीं लिखते हैं, इसको लेफ्ट हैंड की तरफ लिखते हैं। तो आप इसको कहाँ लिखेंगे, आप इसको लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप ये जो योर्स ओबीडियंटली है ना, ओबीडियंटली की जगह आजकल क्या लिखते हैं, भाई ओबीडियंटली का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, जो सभी लेटरों में, एप्लीकेशंस में आप लिख सकते हो, चाहे वो बिजनेस लेटर है, ठीक है, चाहे वो ऑफिशियल लेटर है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन है, चाहे वो प्राइवेट लेटर है, चाहे वो पर्सनल लेटर है, यानी किसी भी तरह का लेटर है, तो उन सभी लेटरों में आप योर्स ट्रूली का प्रयोग कर सकते हो, ओबीडियंटली की जगह किसका प्रयोग कर सकते हो, योर्स ट्रूली का। इसके बाद है सिग्नेचर, सिग्नेचर में जो आपका नाम है वो आप नाम लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर जयसिंह नाम दे रखा है, तो जयसिंह की जगह जो आपका नाम है वो सिग्नेचर के तौर पर आप लिख सकते हो, ठीक है। जो आपकी क्लास है, क्लास को आप चेंज कर देंगे, जो भी तुम्हारी क्लास है उस क्लास का नाम लिख सकते हो। डेट जो है ऊपर लिख चुके हैं, डेट दो बार लिखने की जो आपको जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ जो ये लेटर अभी आपको करवाया गया है, एप्लीकेशन जो करवाई गई है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई लाइन है, कोई भी वर्ड मीनिंग है जो नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हो। ओके, थैंक यू।